भारत और पाकिस्तान का 1971 का युद्ध और उसमें रूस द्वारा की गई भारत की मदद के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत और आज आप मेरे साथ चलने वाले हैं 1971 के युद्ध में। दरअसल साल 1971 में भारत और पाकिस्तान में तनाव अपने उच्च स्तर तक पहुंच चुका था। रूस, जो कि तब सोवियत यूनियन कहलाता था, उसने पाकिस्तान को चेताया कि भारत से युद्ध उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान को कई बड़े मुल्कों से समर्थन था और सोवियत यूनियन भी इसे दो देशों का ही झगड़ा मानता था। लेकिन 3 दिसंबर की शाम को पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें आगरा भी शामिल था। तभी भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रेडियो पर इसे युद्ध की शुरुआत कहा। पाकिस्तान लॉन्च्ड अ फुल स्केल वॉर अगेंस्ट अस। और भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान पर हर फ्रंट से हमला कर दिया। 4 दिसंबर की रात को भारतीय नेवी ने कराची पोर्ट पर हमला कर दिया, जिसका जवाब पाकिस्तान के पास भी नहीं था। भारतीय नेवी ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को इस तरह से चकमा दिया कि उन्होंने अपने ही जहाज PNS जुल्फिगार को तबाह कर दिया। लेकिन स्थिति में तब बदलाव आया जब कई और देश पाकिस्तान के समर्थन में आ गए। अमेरिका शुरू से ही पाकिस्तान के समर्थन में था। तब के अमरीकी राष्ट्रपति निक्सन ने भारत को युद्ध का अंजाम भुगतने को कहा। इसके बाद जॉर्डन ने भी 4 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के समर्थन में भेजे और जरूरत पड़ने पर 22 और भेजने की इच्छा जाहिर की। तुर्की और सऊदी भी पाकिस्तान के समर्थन में आ गए थे। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया ने भी पाकिस्तान के समर्थन में अपने अपने एयरक्राफ्ट उतार दिए। ये सब तब अमेरिका की मेहरबानी से हो रहा था। अमेरिका अपने सब मित्र देशों को पाकिस्तान के समर्थन में इकट्ठा कर रहा था। तब अमेरिका ने चीन को भी जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान की मदद करने को कहा। अमेरिका और पाकिस्तान ने इस तरह सब देशों के साथ मिलकर भारत को अलग थलग कर दिया था। इसके बाद अमेरिका ने USS एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर बे ऑफ बंगाल में भेज दिया। इसके साथ ही यूनाइटेड किंगडम ने भी HMS ईगल पाकिस्तान की मदद के लिए भेज दिया। इस तरह ये देश मिलकर भारत को घेरने की तैयारी कर रहे थे और भारत का पलड़ा थोड़ा हल्का पड़ने लगा था। और तब मैदान में कूदा भारत का मित्र देश रूस। सबसे पहले तो रूस ने चीन को सीधा ही धमकाया कि अगर वो इस युद्ध में कूदा तो रूस से सीधा युद्ध करना पड़ेगा। और इसका असर ये हुआ कि चीन की उसके बाद पूरे युद्ध में आवाज तक नहीं निकली। रूस, जो कि तब कई देशों से मिलकर सोवियत यूनियन कहलाता था, उसका सामना चीन नहीं कर सकता था। ईरान, तुर्की, जॉर्डन जैसे कई देशों के लिए रूस के युद्ध में आने की खबर ही काफी थी। अमेरिका और यूके के एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए INS विक्रांत भी तैयार था, लेकिन रूस ने भी अपने जहाज परमाणु हथियारों से लैस करके मैदान में उतार दिए। रशिया के जहाजों ने यूके और अमेरिका के एयरक्राफ्ट को भारत पहुंचने से पहले ही घेर लिया। इस तरह रूस ने भारत और अमेरिका से सीधा युद्ध होने से रोक लिया। अब बिना बाहरी मदद से पाकिस्तान भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। इस तरह 13 दिन के युद्ध के बाद ही भारत ने बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। और ये वो वक्त था जब सब देश भारत के खिलाफ खड़े थे और रूस भारत के साथ।